सब दोस्तों का राम राम पहुँचे बुंदेलखंडी ब्लॉगनी है की वीडियो में आप सब जनों को स्वागत है। और जो थाली ऐसी रख दी थी तो ये की ऊपर आगो मैठा तो आज बना रहे नूडल्स। तो ये डाल दे रहे हैं उन लहलान हम फूड भी नहीं तीनों बल गई और कुछ ज़्यादा बर्तन बड़ो लेंगे तो फिर बाँस वाली डली में पसा ली और जी मसाले पड़ गए भेज और इन्हें डाल दे रहे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी सब चीज़ सॉटे करने पर हाँ अब डाल दे रहे प्याज इसे पहले डालो तो लहसुन पोछा कराते हैं और जो हमने लंबी वाली काटी पत्ता गोभी और लंबी वाली काटी शिमला मिर्ची मैंने जो थोड़ी थोड़ी सॉटे करे और थोड़ी थोड़ी बचा लें चाउमीन इसे बन गई बंद कर दूँ। प्याज भूने के बाद डाल दे रहे शिमला मिर्ची और ये पत्ता गोभी डालें थोड़ी भी सॉटे हो जाए शिमला मिर्ची और काली मिर्ची पीस ले रहे मिर्ची लौंगा मिर्ची थोड़ी शोर चला रहे हैं। उबले में हमने थोड़ी तेल डाल दो थी और फिर पसाने के बाद हमने थोड़ी ठंडे पानी से धो दी चाउमीन तो मैं पत्ता गोभी भी डाल रही थी और काली मिर्ची भी डाल रही थी थोड़ी हम काम में चली गई थी तो थोड़ी ज्यादा सॉटी हो गई और अब डाल दे रही मैं नमक अब डाल दे रहे जी नूडल्स अब डाल दे रही मैं चिली सॉस सोया सॉस को मैंने कहा होगा खोल दीजिए दिखा हम खोल दे और विनेगर भी डाल दो अब सोया सॉस बस खुल जाए डाल दे रहे हैं सोया सॉस अब सबका मिक्स कर दे अच्छे से तो अपनी चाउमीन रेडी हो गई और जो सयाई के लाने थोड़ी पत्ता गोभी हमने बचा लेती थी लंबी और अभी मैं अपने हिसाब से सब लोग सॉस वगैरह मिला ले हैं और हम ऐसी खाते हैं ज़्यादा सॉस नहीं डाले सादी वाली खाते हैं तो इतना पे आटा की टंकी के नीचे हुई बहुत सारी चीटी और पानी में भी हो गई तो पहले नीचे चारों तरफ खींच दे रहे लक्ष्मण देखा फिर रुपा दे हैं ये टंकी अंकी और आज सीधे हमने कहीं से शुरुआत करी वीडियो की कैसे हमने सुबह मेहंदी डाली थी तो मेहंदी धो के आ गए फिर जैसे किचन में आए तो बहुत सारी चीटी देखी तो हमने ये चलो जो आलू काम निपटा लें और रोटी तो बन गई लेकिन रोटी ठंडी हो रही फिर इनकी गड्डी लगाएं अब का थोड़ी रोटी के ऊपर एक रख जा तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती फिर थोड़ी देर रेस्ट के लाना रखना पड़ती है ठंडी हो या फिर उन्हें लगाएं नहीं तो ठंडी में खाए आराम से जैसी बनाओ वैसी लगा उन्हें गड्डी लगा कर रख दूँ और इधर पर हम लगा ले रहे बैग तो हो रही तैयारी जाएगी तो जा रहे हैं हम लोग महोबा तो हमारी आँखी की दवाई ख़त्म हो गई अनमुलगी भी ख़त्म हो गई तो हमने की चलो लिया और अचानक से तैयारी बन गई तो बस तैयारी कर गाइस मैंने बनाई ये चॉकलेट आइसक्रीम उसमें आइसक्रीम से ज़्यादा मिल्क है रुकना मैं आपको एक मिनट में सो ये हो गई हमारी आइसक्रीम बन के तैयार आप लोग भी खा लीजिए
और सब लोग खाना वाना खा के फ्री हो गए, पूरे काम ने पट गए। और तब पर रखी धुली धुलाई स्लीपर वगैरह हमारी अनमोल की जूता तो वे निकाल ले रहे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम का है कि हमें जाने पड़त पैसेंजर गाड़ी में, पैसेंजर गाड़ी नहीं से जाने पड़त का ऐसे कोई भी सुपर फास्ट गाड़ी भरोसा, अगर मैं नहीं रुकती तो मजबूरी में पैसेंजर में जाने पड़ा। और जो इतना सुबह से बैग लगाए जा रहा है, एक एक जोड़ी कपड़ा है। और अनमोल अभी हमारे हैंडबैग का कह रहे बाबा आदम के ज़माने को हैंडबैग निकाल लो, ऐसे ही का बहुत दिन से यूज नहीं करो तो उन्हें यही लग रहा हो कि बहुत पुराना होगा। अब ना ले लेकिन हमने कही सही है, फटू वटू नहीं है वो तो दूसरों आ गए तो ये कपड़े ले नहीं जाते कहूँ। और ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कछु हती और कछु बनाई हती। अब ऐसा है ना कि कोई खा एडजस्ट कर वो नहीं चाह, अगर चार जने की सीट है तो दो जने बैठ गए गोदी लगा कर तो दूसरे का नहीं बैठा लत, तो ये वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखाते हैं तो सब लोग गेट के पास बैठ गया। तो वैसे हमने तो मिल गई थी सीट, लेकिन बहुत जने पहले ही से खा ले ऐसे ही बैठे थे गेट वेट के पास। फिर हम लोग अंदर गए तो सीट मिल गई और तब आ गई नदी, जो नदी हरपालपुर के पहले पड़ा और फिर आप हरपालपुर। तो हरपालपुर में थी क्रॉसिंग, सब लोग बैठे थे आराम से और हम लोग भी बैठे थे। हम लोग चलो थोड़ी वीडियो बना, लेकिन जो वाली छोटी छोटी गेट में जा ली है तो ज़्यादा साफ तरीका से नहीं बन पाई वीडियो। और बहुत बड़ी मजबूरी है हमारी कि मतलब पैसेंजर गाड़ी से जानी पड़ा था मजबूरी में। और वैसे तो अगर फास्ट सुपर फास्ट ट्रेन रुकती होती तो फिर वहीं से जाती। थोड़ी से जो वीडियो बनाओ और जैसी मैं हुआ पहुँची तो बहुत ज़्यादा सन्नाटो सन्नाटो लग रहा हूँ तू। और मम्मी का बिक्की का कोई का पता नहीं है तो अचानक से सरप्राइज समझ लीजिए कच्चू पहुँच गया। कैसे मम्मी को फ़ोन हमारे फ़ोन से लगत नहीं है, अब बिक्की फ्री रहती तो वे सो रहे थे तो उन्होंने फोन से चॉप कर लो तू। फिर हम लोग सीधे घर ही पे पहुँच गए और रास्ता में मतलब चारों तरफ बहुत सन्नाटो सन्नाटो देख रहा होते महोबा में, तो हम नहीं जाने कहा होगा का नहीं मतलब दुकान खुली। तो फिर उतर जाके पता चलो कि महोबा को भैया 3 बजे से खुल रहा और दिन भर नहीं खुला। और इतना पे आ गई खजुराहो की वाली पटरी, तो जो पटरी सामने जो देख रही थोड़ी थोड़ी तो जो खजुराहो वाली लाइन है ये ऐसे जानिए खजुराहो। जब घर पहुँची अनमोल ने गेट बजाया तो मम्मी कह रही को है तो अनमोल कह रहे खोलो, तो मम्मी अचानक से कह रही अरे अनमोल आ गई का, तो मम्मी कह रही हमें लगा ही रहो तू कि अनमोल और आज आ जाए हैं और लेकिन हम लोगों ने फोन नहीं कर पाओ तू। मम्मी बहुत खुश हुई और इत्तेफाक से पापा भी घर आते, बिक्की भी घर आते, कैसे मार्केट बंद चल रहा और बस स्टॉल बांध लो तो ट्रेन में हमने तो काफ़ी सही लग रहा था, नहीं तो इतनी ज़्यादा गर्म हवा आ रही थी कि कहा बताएं। और महोबा वीडियो कैसे लगा आप लोगों का सफ़र वीडियो, और वीडियो पसंद आओ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर करियो और चैनल का सब्सक्राइब कर लियो। कल तक के लिए राम राम।